Hello and again welcome to my channel. Let's take up with the phylum Chordata. Okay, please आप वीडियो एंड तक देखिएगा. प्लीज़ बीच में कोई ओपिनियन मत बनाएगा कि इट्स बोरिंग और इट्स नॉट इंटरेस्टिंग. कोई भी ऐसा ओपिनियन मत बनाएगा, एंड तक देखिएगा प्लीज़. बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक दिस चैप्टर वेरी ईजियर फॉर यू. वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगी, बट नोट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इजी वे में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लें. ओके, तो हम फाइलम कॉर्डेटा, आज फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे. ओके, एंड प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो, बिकॉज शायद मैं आपको एक गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको फाइलम कॉर्डेटा बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा. ओके, याद भी रख पाएंगे आप. लेट्स टेक अप विद द नोट्स. मैंने एक नोट्स बनाए हैं ईजी वे में. ओके, यह है फाइलम कॉर्डेटा. सो फाइलम कॉर्डेटा में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें ए बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स जरूर पाए जाएंगे. ओके, ऑल कॉर्डेट्स हैव दिस फंडामेंटल कैरेक्टर्स. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होगा तभी उनको कॉर्डेटा में एंटर किया गया है. डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स. ऑल कॉर्डेट्स को सारे ओके मोस्टली हर कॉर्डेट को ये कैरेक्टर्स होंगे, फंडामेंटल कैरेक्टर्स. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टाइल, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑल कॉर्डेट्स आर सीलोमेट्स. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा. वॉट? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टाइल, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंसेज बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. ओके, कॉर्डेट्स में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज ऑब्सेंट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है कॉर्डेट्स में? डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल. डॉर्सल होता है, हॉलो होता है सिंगल. इसका क्वाइट अपोजिट है नॉन कॉर्डेट्स में का सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, वेंट्रल होता है, डबल होता है, सिंगल का डबल होता है, हॉलो नहीं सॉलिड होता है. यहाँ पे वेंट्रल डबल एंड सॉलिड, वेंट्रल डबल एंड सॉलिड, डॉर्सल हॉलो सिंगल. फैरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है. सो यहाँ प्रेजेंट, गिल स्लिट्स आर ऑब्सेंट. हॉट इज वेंट्रल. यस, वी आर ऑल्सो कॉर्डेट्स एंड अवर हॉट इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड वो होता है जहाँ पे फेस होके होती है. ओके, आपके पीठ की तरफ जो होता है वो डॉर्सल साइड होता है. सो हॉट इज एट द वेंट्रल साइड इन कॉर्डेट्स, बट इन नॉन कॉर्डेट्स हॉट इज डॉर्सल. पोस्ट एनल टाइल क्या होती है? कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है. नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टाइल इज ऑब्सेंट. सो इन सब में वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है वो शायद यहाँ से बिट पूछा जा सकता है. वेंट्रल डबल सॉलिड. ये देखिए कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो सिंगल. प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा, डॉर्सल हॉलो सिंगल, वेंट्रल डबल सॉलिड. सो हियर इज़ द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा. कॉर्डेट्स को फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया है. कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोटोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेटा. ओके, प्रोटोकॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा. ओके, प्रोटोकॉर्डेट्स को यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में फर्दर डिवाइड किया गया. एंड कॉर्डेटा में टू क्या है? प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा. यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स. वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में क्या है? अज्ञाता अनज्ञात स्टोमेटा. मीन्स अज्ञाता अनज्ञात स्टोमेटा टुगेदर आर इंक्लूडेड अंडर वर्टिब्रेटा. अज्ञाता लैक्स जॉ. ज्ञातो स्टोमेटा, ज्ञातो मीन्स प्रेजेंस ऑफ जॉस. ओके, ज्ञातो स्टोमेटा. अज्ञाता मीन्स ऑब्सेंस ऑफ जॉस. लैक्स जॉ. ओके, अज्ञाता लैक्स जॉ, ज्ञातो स्टोमेटा बियर्स जॉ. नेक्स्ट. ओके, ज्ञातो स्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, सुपर क्लासेस, पाइसेस, टेट्रापोड्स. अज्ञाता में सिर्फ एक ही क्लास है और वो है साइक्लोस्टोमेटा. पाइसेस क्या होते हैं? इनमें फिन्स होते हैं, पेड अपेंडिजेस फिन्स होते हैं. इसमें होते हैं लिम्स, इसमें पेड अपेंडिजेस एबसेंट होते हैं. ओके, सो नो प्रेजेंस ऑफ फिन्स. यहाँ पे टू क्लासेस आते हैं पाइसेस के नीचे. पाइसेस मीन्स फिशर्स. फिशर्स होते हैं कॉन्ट्रिक्टिस, कॉन्ट्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस. मेन फीचर जिसे बेस करके इन्हें
फिशेस को, पाइसेस को टू ग्रुप्स में, टू क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, वो है वर्टिब्रल कॉलम. इसमें होता है कॉटिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, कॉन्ट्रिक्टिस कॉटिलेजिनस. इसमें होता है ऑस्टी, ऑस्टिया मतलब बोन होता है, सो बोनी बोनी वर्टिब्रल कॉलम. कॉन्ट्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस आर द टू क्लासेस ऑफ पाइसेस. टेट्रापोड्स, टेट्रापोडा में मीन्स पियर्स लिम्स. टेट्रापोड, टेट्रा मतलब फोर, पोडा मीन्स फीट आई थिंक, फोर फीट वाले कौन से है वो, फोर लिम्स होते हैं. क्लास एम्फीबिया, रिप्टीलिया, एप्स एंड मेमेलिया. ओके, टेट्रापोड्स कौन से हैं, एम्फीबियंस, रिप्टील्स, एप्स, मैमल्स. ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, बिकॉज देखिए यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, सो दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स भी है, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, बट सारे वर्टिब्रेट्स क्या है, कॉर्डेट्स है. सारे वर्टिब्रेट्स क्या है, कॉर्डेट्स है, पर सारे कॉर्डेट्स सिर्फ वर्टिब्रेट्स नहीं होते. तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. डिस्ट्रिक्ट में ऐसे दिया गया, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, यहाँ तो एग्जाम्पल्स रह गए यूरोकॉर्डेट्स के. फर्स्ट हम जान लेते हैं थ्री क्लासेस जो थ्री इंपॉर्टेंट सब फाइला है कॉर्डेटा के, उनके बारे में क्या क्या है वो तीन सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. सो यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स को मिला के हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, एंड दे आर प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. ओके, सो ये थ्री फाइलम को किस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो जान लेते हैं. फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टाइल में होती है, उसके बाद नोटोकॉर्ड नहीं दिखा, एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है. सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टाइल. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टाइल. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टाइल. सो सेफेलोकॉर्डेट्स में क्या होता है, सेफेलो मीन्स हेड. ओके, नोटोकॉर्डेट हेड टू टेल. नोटोकॉर्डेट एलोंगेट्स फ्रॉम हेड टू टेल. नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक का प्रेजेंट होता है, और थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. बट यूरोकॉर्डेट्स में क्या है, ओनली लार्वल स्टेज में हम नोटोकॉर्ड देख सकते हैं. सेफेलोकॉर्डेट्स में क्या है, इट इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, बट हियर इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टाइल. वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है इनिशियल स्टेज में, बट इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ बोनी और कॉटिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम. सो नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक बोनी या कॉटिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है. विथ टाइम द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए बोनी और कॉटिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स. सो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स कहते हैं. सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टाइल एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, सो इट इज़ कॉल्ड अ सेफेलोकॉर्डेटा. एंड ओनली लार्वल टाइल, लार्वल टेल टेल में होता है, इसलिए इसे कहते हैं यूरोकॉर्डेटा. प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टाइल. अब हम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ओके, यहाँ पे तो यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं. ओके, यूरोकॉर्डेटा को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं. यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा है. एग्जांपल्स क्या है यूरोकॉर्डेट्स के, एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम. सो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, उर्वशी दोसा. पता नहीं आपके एरिया में फेमस होगा, यहाँ पे तो बहुत फेमस है उर्वशी दोसा. सो उर्वशी, यू आर से हो गया यूरोकॉर्डेट. ओके, छोड़ दीजिए. असीडिया, ये हो गया असीडिया, असीडिया. एंड ये हो गया डोलियोलम, साल्पा. असीडिया, सल्पा, डोलियोलम, एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा. ओके, आमला ब्रांच, आमला का ब्रांच, डाल आमला की डाल, आमला ब्रांच. सेफेलो आमला ब्रांच, याद रख लीजिएगा, सेफेलो आमला ब्रांच. सेफेलो से हो गया सेफेलोकॉर्डेटा, आमला, आमला से हो गया एम्फियोक्सिस, एम से हो गया एम्फियोक्सिस, ला से हो गया लैंसेलेट, और क्या है ये दो, ब्रैंकियोस्टोम्स, ब्रैंकियोस्टोमा, एग्जांपल ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा, एम्फियोक्सिस एंड लैंसेलेट.
So examples of urochordata or tunicata are Acidia, Salpa and Dolichium. Examples of cephalochordata are Branchiostoma, Amphioxus or Lancelate. और थ्री फीचर्स है जो हम हर आगे हम सारे कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सब में ये सब फीचर्स कॉमन है. ओके, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ टू थ्री और फोर चैम्बर्स. सो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है कॉर्डेट्स में या थ्री चैम्बर्ड या फोर चैम्बर्ड हार्ट, बट इट इज़ वेंट्रल इन पोजिशन. किडनीज और प्रेजेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, किडनीज होते हैं. कॉर्डेट्स मतलब सारे टेट्रापोड्स, स्पाइसेस, साइक्लोस्टोम्स, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, सारे क्या है वो सब कॉर्डेट्स. पेड अपेंडेजेस होते हैं फिन्स या लिम्स. पेड अपेंडेजेस स्पाइसेस में होते हैं, फिन्स टेट्रापोड्स में होते हैं, लिम्स और पेड अपेंडेजेस और ऑब्सेंट इन एग्नाटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा. ओके, आज हमने कॉर्डेटा के बेसिक फीचर्स और इस सब के बारे में पढ़ लिया है. नेक्स्ट हम साइक्लोस्टोम, कॉन्ट्रिक्टिस, ऑस्टिक्टिस, एम्फीबिया इसके बारे में ऑर्डरली पढ़ लेंगे. ओके, सो आप अपडेट रहिएगा. नेक्स्ट वीडियो में साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोमेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर बनाऊंगी. ओके, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्टिस, ऑस्टिक्टिस, ओ बहुत सारे क्लासेस है. सो मैं उसे टू या थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके टू या थ्री वीडियोस में बता दूँगी. अगर आपको किसी और लेसन की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा.